अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और क्या हाल है? ठीक है। देखो बकरियां हैं और ये भी जान लो कि ठंड में, ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठंड की वजह से कुछ दिक्कत होते रहता है बकरियों में। किसी को ठंड लग गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसे ही। और उधर खेमा में आग जलाता हूँ रोज। एक बकरी को ठंड लग गया था, ठंड लग गया था, उसको लेके गया उधर। सऊदी बोला उधर रख दे भैया, आग के पास रहना, देखते रहना। और मैं लेके गया उधर, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बकरी, मैं सोचा कि चलो दूर है बकरी, दूर की वजह से मैं चला आया, जो कि बहुत प्रॉब्लम उसको हो गया, गिर गई उसी पे। करीब आते आते, आग के करीब में आते आते, जो कि इधर जला, देखो इधर जल गया, इधर सब जल गया भैया। तो ऐसे ये तो बकरी बच गई, बकरी बच गई, लेकिन यही है कि आग से एक सीख मिला कि आग के पास रखो बकरियों को, तो वहाँ पे रहो जब तक, तब तक ही रखे रहो, नहीं तो फिर मत लेके जाओ आग के पास। और आप सभी को ये पता चल जाए कि बकरी फार्म में आग जला के न छोड़ें, आग जला के छोड़ें मत। आग जब तक जले, जब तक आप रहो वहाँ, तब तो जलाओ, नहीं तो जाते समय उसको सब हटा दो, बुझा उझा के तब हटो उधर से। क्योंकि कुछ ऐसे फार्म भी है, बकरी पालन करने वाले लोग भी हैं कि सोचते हैं बकरियों को ठंड लग रहा है, थोड़ा आग उग जला के छोड़ दिया जाए कि बकरियां को गर्म रहेगा, और वही प्रॉब्लम हो जाता है। छोड़ने के बाद कब कहाँ बकरी, सब बकरी अपने में लड़ते रहती है, और लड़ते लड़ाते कहीं चली गई तो वो भी जाएगी। तो इसके लिए बकरी को आग से दूर रखें, जब तक आग जले तब तक आप रहो तो जलाओ, नहीं तो फिर मत जलाओ। तो यही सब है भैया। यहाँ तो ये 50 साल पुराना जगह है, यहाँ पे सब बकरियाँ रहती है, जो कि ये सब खाद है बालू के साथ। अभी तो बारिश होने की वजह से बैठा है, नहीं तो ये तो जैसे बालू उड़ता है वैसे उड़ते रहता है। यही सब है। चलो ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, लेकिन आग से दूर रखो बकरियों को, बस हमारा यही कहना है, आग से बकरियों को दूर रखो।